हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू शैश कोड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ लैमडा एट एक्सप्रेशन ये आप लोगों ने ही डिमांड करी थी इस वीडियो की तो मैं ये लेके आ गया हूँ आप मुझे कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए सो लैमडा एक्सप्रेशन आर एनोनिमस फंक्शन एनोनिमस फंक्शन मतलब एनोनिमस मतलब क्या होता है कि मतलब घर द्वार नहीं है ऐसे ही भटक रहा है तो दैट इज कॉल्ड एनोनिमस मतलब देर इज़ नो नेम देर इज नथिंग ठीक है आप एनोनिमस हो आप कहीं किसी के पार्ट नहीं हो तो दैट इज कॉल्ड दैट दो फंक्शंस गुमनाम है कोई बदनाम है कोई फंक्शंस आर कॉल्ड एनोनिमस फंक्शंस सो दीस फंक्शंस डू नॉट नीड अ नेम और अ क्लास टू बी यूज्ड क्योंकि ऑबवियसली उनका कुछ नहीं कोई नहीं उनका तो लैम्डा एक्सप्रेशंस आर एडेड इन जावा 8 एंड लैम्डा एक्सप्रेशंस एक्सप्रेस इंस्टेंसेस ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस ओके चलो इफ इट इज टू मच लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है ओके वी विल ब्रेक इट डाउन देन डेफिनेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी तो फंक्शनल इंटरफेस मतलब एक ऐसा इंटरफेस जिसमें खाली एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस है एंड दैट इज कॉल्ड शेप शेप नाम का इंटरफेस है और इसमें खाली एक मेथड है प्रिंट नेम तो ऐसा कोई भी इंटरफेस जिसमें खाली एक मेथड हो जिसको आपको इंप्लीमेंट करना हो तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल इंटरफेस अगर मैं यहाँ पे दो तीन चार कुछ भी रखूँ यानी कि लेट्स से स्टोर नेम ठीक है जस्ट जस्ट एन एग्जाम्पल तो ये अब आपका फंक्शनल इंटरफेस नहीं रह गया करेक्ट तो जब भी आपको फंक्शनल इंटरफेस चाहिए उसमें खाली एक ही मेथड होनी चाहिए ओके नाउ लेट्स से कि नॉर्मली जो हमारा इंटरफेस है ऐसा है अगर आपको इसे इंप्लीमेंट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा ऑब्वियसली आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी वो क्लास इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी एंड उसे इस मेथड प्रिंट नेम को डिफाइन करना पड़ेगा अपने अंदर करेक्ट सो लेट्स टेक अ क्लास स्क्वायर ठीक है मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाया हुआ है अभी क्या है क्लास स्क्वायर इंप्लीमेंट शेप तो अगर ये शेप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो शेप के अंदर जो भी मेथड दैट इज प्रिंट नेम तो उसे क्या करना पड़ेगा इस प्रिंट नेम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जिसे हमने यहाँ पे किया राइट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई एम स्क्वायर अब स्क्वायर के अपने खुद के भी मेथड्स हो सकते हैं दस पंद्रह बीस कितने भी हो सकते हैं दैट इज नॉट ए सिनारियो ओनली थिंग टू कंसिडर इज कि जो इस इंटरफेस में मेथड है वो यहाँ इंप्लीमेंटेड है या नहीं है तो इम्प्लीमेंटेड है ठीक है तो आपने एक क्लास स्क्वायर बनाया विच इज इंप्लीमेंटिंग शेप अब हम इसे कॉल कैसे लगाएंगे तो वेरी सिंपल हम कहेंगे ओके शेप ओके एस इज इक्वल टू न्यू एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ डाल सकते हो न्यू स्क्वायर ठीक है बिकॉज स्क्वायर इज इम्प्लीमेंटिंग इट तो आप कोई एरर नहीं देगा देन यू कैन इजली से एस डॉट प्रिंट सिंपल तो अगर हम इसे प्रिंट कराएं तो रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट आएगा आई एम स्क्वायर ठीक है आई एम है सिंपल नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लैमडा क्या होता है सो so, लैमडा आपके क्या होते हैं लैमडा आपके गुमनाम फंक्शंस होते हैं यानी एनोनिमस फंक्शन होते हैं उनका नाम देने की आपको जरूरत नहीं होती वो फंक्शंस क्या करते हैं आपके फंक्शनल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनते हैं ओके तो जैसे कि अब मैं आपको पहले लैमडा का सिंटैक्स दिखाता हूँ लैमडा का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा ओके तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैरामीटर्स हैं एरो टोकन है फंक्शन बॉडी है ठीक है पैरामीटर्स लेगा एरो टोकन लेगा एक्सप्रेशन लेगा विच इज फंक्शन बॉडी अब इन तीन तीनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए वापस लौटते हैं ओके okay. सो so, अब मुझे क्या करना है मेरा इंटरफेस क्या है ध्यान से देखो अब मुझे एक ऐसी क्लास बनानी है जो इम्प्लीमेंट करे इस fun, इस मेथड को तो वो मैंने यहाँ पे कर दिया बट व्हाट इफ आई डोंट वांट टू यू नो क्रिएट दिस क्लास एंड ऑल मेरे को इतना ता, ताम झाम नहीं चाहिए मैं चाहता हूँ यार छोटे कम लाइनों में, में मेरा काम हो जाए तो वो हम कैसे करेंगे दैट इज थ्रू लैमडा तो अब आपको क्या करना है आपको खाली इस मेथड को इम्प्लीमेंट करना है ठीक है विच इज़ प्रिंट नेम क्या ये कोई पैरामीटर ले रहा है नहीं ठीक है तो जो हमारा फर्स्ट है दिस इसके अंदर पैरामीटर आता है तो हमारे केस में कोई पैरामीटर की ज़रूरत नहीं है देन ये आपका क्या है टोकन ये बताता है कि यहां symbol, okay? अब यहाँ से बॉडी शुरू हो रही है दिस इज द टोकन सिंबल ओके अब नेक्स्ट हमें क्या करना है अब यहाँ पे फंक्शन का नाम प्रिंट नेम है बट आपको फंक्शन का नाम देने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे क्या करोगे आप खाली यहाँ पे uh, लिख दोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम ट्राई एंगल ट्राई एंगल ठीक है अब ये क्या हो गया ये आपका एक्चुअली एक डिफिनीशन हो गई आपने डिफाइन कर दिया अपने फंक्शन को अब हम इसे कहीं पे स्टोर कर सकते हैं कहाँ स्टोर करेंगे ऑब्वियसली शेप में ठीक है तो वी कैन से कॉपी पेस्ट इज इक्वल टू एंड वी कैन से एस वन तो ये है आपका लैमडा एक्सप्रेशन ठीक है और बेटर वे में अगर मुझे आपको बताना हो तो स्क्वायर क्लास पे आते हैं ठीक है ये एक थोड़ा बेटर वे होता है बिगनर को समझाने के लिए इसे कर लेते हैं कॉपी ठीक है अब आप समझो कि आपको खाली यहाँ पे डिफाइन करना है तो शेप एस टू इज़ इक्वल टू एंड लेट्स पेस्ट इट ठीक है अब क्या क्या नहीं होगा Uh, मुझे एक्स स्पेसिफायर नहीं चाहिए मुझे रिटर्न टाइप नहीं चाहिए मुझे फंक्शन का नेम नहीं चाहिए इतनी चीज क्लियर है अब यहाँ पे पैरामीटर्स मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं कोई दिक्कत नहीं अब ये लैमडा का टोकन और उसके बाद अगर आप पैरेंथिस लगा रहे हो तो आपको एक एक्स्ट्रा सेमीगोन लगाना पड़ेगा अदरवाइज आप इस पैरेंथिस को हटा करके ठीक है डायरेक्टली इस लाइन को लिख सकते हो ओके तो ये हो गए आपके लैमडा एक्सप्रेशंस करेक्ट तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है अभी और समझेंगे इस चीज़ को ठीक है थोड़ा सा होल्ड ऑन करो ये क्या है ये एक डिक्लेरेशन है अभी आपने डिकलेयर किया है तो अभी किसी चीज़ को कॉल करना हो कॉल लगाने से मैं इसको प्रिंट कर कॉमेंट uh, कर देता हूँ ठीक है मैं नहीं चाहता कि पुराना वाला प्रिंट हो तो अब अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो आप देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्यों नहीं आ रहा है आउटपुट बिकॉज हमने डिक्लेयर किया डिफाइन किया बट कॉल तो किया इन्हीं फंक्शन को तो वी हैव टू कॉल इट राइट तो एस डॉट प्रिंट नेम अब ये प्रिंट नेम आई एम ट्राइंगल प्रिंट करेगा ठीक है वेन यू सेम ये क्या प्रिंट करेगा आई एम स्क्र प्रिंट करेगा सो नाउ इफ यू रन दिस आई एम ट्राइंगल आई एम स्क्र एंड यू डोंट नीड दिस स्क्र एनी मोर ठीक है वी कैन कॉमेंट इट ईजीली ठीक है वी डोंट रिक्वायर एनी स्क्वायेर नाउ एंड इट स्टिल वर्क्स तो ये आपका लैम्डा एक्सप्रेशन है कोई भी ऐसा इंटरफेस जिसमें खाली एक ही मेथड हो उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन अब ये अनोनिमस फंक्शन क्यों है क्योंकि देखो ये यही है आपका फंक्शन इतना ही है आपका फंक्शन इसका कुछ आपको नाम दिख रहा है नहीं इसका कोई नाम नहीं है क्योंकि इंटरफेस में एक ही मेथड है तो वो उसी एक मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ठीक है सो so, ये आपके लैमडा एक्सप्रेशन हैं ओके ओके नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट इन लैमडा एक्सप्रेशन ठीक है सिंगल लाइन कॉन्सेप्ट क्या है जिसे हमने यहाँ पे सिंगल लाइन में लिख दिया अब सेम चीज को अगर आपको मल्टीपल लाइन में लिखना हो तो आप क्या करोगे ऑब्वियसली यू हैव टू यूज अ तो आई टेल यू ठीक है ये हो गया ठीक एंड लेट्स कॉल इट एज एस थ्री ठीक है आई एम कमेंटिंग एस वन एंड एस टू फॉर नाउ नाउ आई वॉन्ट मल्टीपल लाइन्स ठीक है तो मल्टीपल लाइन्स कैसे करेंगे यहाँ पे आप एक ब्रैकेट ओपन कर दो ठीक है डन वन एंड टू ओके एंड ऑबियसली यहाँ पे आपको सेमी कोलन लगाना पड़ेगा अब ये आपका एक फंक्शन बॉडी हो गया इस बॉडी के अंदर आप जितनी चाहे उतने लाइन्स लिख सकते हो ठीक है एम स्क्वेर या कुछ और लेते हैं uh, और कौन सा शेप बचता है एम रेक्टेंगल ओके रेक्टेंगल देन आई एम रामबस बड़े दिन बाद यह नाम लिया मैंने आई एम ट्रपेजीएम ट्रपेजी एम हो वन शॉर्ट स्पेलिंग सही जा रही है क्या बात है सो वी कैन से एस थ्री डॉट प्रिंट नेम ठीक है अब इसे रन कराते हैं सो यू कैन सी नाव आई एम रेक्टेंगल आई एम रोमबर्स आई एम ट्रपे सी एम ठीक है सो नाओ यू कैन प्ले अराउंड ओके अभी लैमडा के अंदर पैरामीटर्स कैसे हो सकते हैं जैसे दिस वॉज जीरो पैरामीटर अच्छा ज़ीरो पैरामीटर के केस के में क्या मैं इसे हटा सकता हूँ नो ऑबसली इट विल गिव वेर राइट तो हमें यहाँ पर यह लिखना पड़ेगा बट अगर हमारे पास पैरामीटर्स आने शुरू हो जाए यानी कि लेट्स टेक अनदर इंटरफेस अनदर फंक्शनल इंटरफेस दैट इज कैलक्यूलेटर अगर मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ तो इसके पास कौन सा मेथड है सॉल्व मेथड है ओके okay? एंड इसमें दो पैरामीटर्स हैं तो चलो इसको देखते हैं ओके सो लेट्स कम बैक टू आवर मेन मेथड एंड वी विल नॉट be प्रिंटिंग anything. ठीक है ना लेट्स कम डाउन अगेन आपको क्या करना है इंटरफेस का नाम कैलकुलेटर ओके okay? uh, उसका ऑब्जेक्ट का नाम दो इज इक्वल टू अब यहाँ पे हम uh, फंक्शन साइन लगाएंगे देन lambda symbol, ओके एंड यहाँ पे हमारे पास दो parameters हैं तो वील से आप कुछ भी नाम दे सकते हो ए comma बी ओके ए कॉमा बी हमने दे दिया अभी इसकी बॉडी डिफाइन करनी तो चलो देखते हैं कैलकुलेटर क्या कहता है कि आप सॉल्व नाम का मेथड इम्प्लीमेंट करो दो पैरामीटर लेगा और रिटर्न उसका एंड होना चाहिए ठीक है सो लेट्स से ओके वी विल से रिटर्न ए मल्टीप्लाई बाई बी ठीक है डन डन तो ये हमने लिख दिया कैलकुलेटर सी अभी मुझे इसे कॉल लगानी तो मैं कॉल कैसे लगाऊंगा अभी से सी डॉट सॉल्व ठीक है एंड मुझे इसमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी तो आई कैन से फाइव कॉमा सेवन कभी आप देखो ये हमने मल्टीप्लीकेशन क्लास इंप्लीमेंट कर दी हमारे कैलकुलेटर की दो मेथड ले रहा है उसे मल्टीप्लाई कर रहा है सो इफ यू रन दिस नाउ, सॉरी मैंने मतलब इसे प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा से सिस्टम uh, चलो अब इसे रन कराते हैं नाउ वी विल गेट थर्टी फाइव फाइव इंटू सेवन इज थर्टी फाइव ओके नाउ टेक अ मोमेंट पॉज करो और यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करो एडिशन लैमडा ठीक है यूजिंग दिस कैलकुलेटर ओनली ठीक है सो पॉज करो एंड ट्राई करो चलो अगर आपने ट्राई किया होगा तो वेल एंड गुड नहीं ट्राई किया तो मैं आपको बताता हूँ अगेन वेरी सिंपल एडिशन के लिए हम क्या करेंगे जस्ट कॉपी पेस्ट गिव इट टू अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड ए प्लस पी सिंपल ये आपका एडिशन हो गया एंड कॉल लगानी है तो इसे कॉपी कर लो कॉपी पेस्ट एडिशन सो नाउ इफ यू रन दिस अभी भी मल्टीप्लाई क्यों चल रहा है ओके बिकॉज मैंने यहाँ पे सी लिया है वी हैव टू कॉल सी वन डॉट सॉल्व लेट्स रन अगेन ट्वेल्व ठीक है बढ़िया सो नाउ आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर कि हम लैमडा एक्सप्रेशन में मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ कैसे वर्क करेंगे ट इफ वॉट इफ वॉट इफ यहाँ पे तो सिंगल पैरामीटर होता है ठीक है तो लेट्स क्रिएट अ न्यू इंटरफेस नंबर ठीक है एक नंबर नाम का इंटरफेस बनाते हैं एंड इसमें एक मेथड बनाएंगे प्रिंट टाइप टाइप नंबर में टाइप होता है बेसिकली मैं ऑड इवन प्रिंट करना चाहता हूँ इट ठीक है तो टेक वन वन नंबर इंटीजर एंड इट्स का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है खाली प्रिंट करेगा कुछ भी ओके प्रिंट टाइप सो अगेन लेट्स स्टार्ट मैं नंबर यहाँ पे बनाता हूँ तो बस मिनिमाइज कर लेते हैं इसे ओके सो आई नीड अ नंबर एन एल इक्वल टू ओके लैमडा एक्सप्रेशन ठीक है इनपुट में हम एन ले रहे हैं बाय द वे आप देखो मैं यहाँ पे पैरामीटर्स जो भी पास कर रहा हूँ उसमें कोई भी टाइप देने की जरूरत नहीं है दैट जावा विल आइडेंटिफाई ऑटोमेटिकली आपको खाली नंबर ऑफ पैरामीटर्स का ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे एक था तो मैंने एक ले लिया एंड सॉरी सेम नाम नहीं ले सकते ऑब्जेक्ट एंड पैरामीटर का ओके okay, अभी इसका मल्टीपल लाइन ओपन करते हैं ओके okay? तो इफ़ एन डिवाइड बाई टूल्स इक्वल जीरो ठीक है यानी ये क्या है नंबर आपका इन है तो आपको ईवेन प्रिंट करना है ओके टू से डिवाइड हो रहा है तो वी कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वी कैन सेवन ओके अदरवाइज एल्स वी आर गोइंग टू सेल एन ऑड ठीक है एंड लेट्स कॉमेंट दीज टू स्टेटमेंट्स बिकॉज आई ओनली वॉन्ट टू प्रिंट नंबर ओके सो ना लेट्स कॉल इट एन वन डॉट सॉरी एन वन डॉट कौन सा मेथड प्रिंट टाइप नंबर क्या पास करें नंबर पास करते हैं एट तो एट आपका क्या है इवन है सो लेट्स सी क्या इवन प्रिंट होता है बिल्कुल फैंड ठीक है सो so, अब मैंने आपको सिंगल पैरामीटर वाला क्यों बताया क्या स्पेशलिस्ट इसमें तो बेसिकली जब भी सिंगल पैरामीटर हो तो आप ये ब्रैकेट हटा सकते हो ठीक है नाउ दिस इज आल्सो वैलिड लेकिन मल्टीपल वाले केस में यहाँ पे दो था दो वाले केस में आप नहीं हटा सकते आपको एरर आ जाती है ठीक है तो सिंगल पैरामीटर है अगर आपके पास तो आप ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकते हो ये इसका एक ट्रिक uh, होती है ठीक है मतलब एक uh, मतलब आप कह सकते हो जो भी ट्रिक कह लो जो भी कह लो ओके सो डन अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ रिटर्न टाइप्स ठीक है क्या रिटर्न टाइप्स आपको uh, ऐसे पास करने होते हैं कि आपको ज़बरदस्ती ब्रैकेट लगाना होता है नहीं तो जब भी आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन हो ध्यान रखना एक्सप्रेशन बोल रहा हो ठीक है तो एक्सप्रेशन को आप सिंगल लाइन में एंड कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल uh, यहाँ पे ले लेते हैं सी टू ठीक है अब मुझे रिटर्न ए ए प्लस बी करना है तो इसे वन लाइन में लिखने का क्या मतलब है वन लाइन में लिखने का मतलब है ऐसा बट ये आपको एरर दे रहा है वाई बिकॉज फॉर जब आप सिंगल लाइन में कुछ भी लिखते हो तो आप वहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हो तो रिटर्न स्टेटमेंट हम हटा सकते हैं इसलिए नाउ दिस ए प्लस बी इज इक्वी वैलन टू रिटर्न ए प्लस बी ठीक है तो आपका सी टू क्या करेगा ए प्लस बी को ही रिटर्न करेगा लेट्स ट्राइक टू चेक दिस मैं इस एडिशन वाले को कर लेता हूँ कॉपी ओके पेस्ट इधर आ जाएगा आपका सी टू एंड लेट्स चेंज इट टू फिफ्टीन प्लस सेवन ओके तो फिफ्टीन प्लस सेवन कितना होता है ट्वेंटी टू सो या एडिशन ट्वेंटी टू अंडरस्टुड तो जब भी आपको कुछ भी रिटर्न करना हो खाली उस फंक्शन में खाली एक काम है कि रिटर्न ही करना है तो आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हो बट आपको रिटर्न की वर्ड अवॉइड करना पड़ेगा अगर आपको रिटर्न की वर्ड लगाना है तो पेरेंथिस के अंदर लिखो ठीक है लाइक अ फुल फंक्शन चलो ग्रेट नाउ लेट्स मूव अहेड अभी सीखते हैं हाउ टू यूज लैमडा इन कलेक्शंस ठीक है कलेक्शन स्ट्रीम मतलब सीखते गए हमने सीख लिया लैमडा यही है बट यू नो सीखने का ये मतलब है कि एक आध एग्जांपल लेके इम्प्लीमेंट करते हैं जैसे आपको पता है प्रायोरिटी ट्री ट्री मैप्स ले 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 कुछ भी लो मैप हम शॉर्टिंग तो ले इंटीजर, 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 अभी आपको क्या पता है कि ये जो भी आ, मेरा की है ठीक है जो भी मेरा मैप है वो की के बेसिस पे सॉर्टेड होता है तो ये आपको क्या है ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ठीक है अगर आपको इस सेम चीज़ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना हो तो हमें क्या यहाँ पे यूज़ करना पड़ता कंपेरेटर ओके सो कंपेरेटर कंपेरेटर ठीक है ये भी आपका क्या है फंक्शनल इंटरफेस है लेट्स सी हाउ न्यू कंपेरेटर इन भाई साहब को बुलाते हैं और फिर इनके पास चलते हैं ओके okay? तो इफ़ यू सी यहाँ पे एनोटेशन भी लगी हुई है इट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस और इसके अंदर खाली एक मेथड है विच इज़ कम्पेयर सो लेट्स कम बैक एंड वी विल इम्प्लीमेंट ओके तो अभी मेरा जो ट्री मैप है वो इनपुट में क्या ले सकता है एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होता है दैट कैन टेक इन इनपुट एज योर कम्पेरिटर ये रहा ठीक है तो अभी कंपेरिटर एक्सपेक्ट कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगेन विल इम्प्लीमेंट आवर लैमड एक्सप्रेशन तो बना लेते हैं अपना कंपेरिटर ओके कंपेरेटर ऑफ इसका बनाए कंपेरेटर ऑफ इंटीचर इसको नाम दे देते हैं सीवन नहीं सीवन हम दे चुके हैं ना कॉम वन दे देते हैं ठीक है कम्पेरेटर वन इज इक्वल टू लैमडा एक्सप्रेशन आपको कंपेयर मेथड इंप्लीमेंट करना है तो दो चीज़ें होंगी यहाँ पे ठीक है ए कॉमा बी दो पैरामीटर्स हैं आपके पास ओके देन वी विल डू समथिंग लाइक दिस अब मुझे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो मैं क्या करूँगा बी माइनस ए ये सिंपल ट्रिक है राइट right? ये आपका रिटर्न हो गया भाई आपको लिखना था रिटर्न बी माइनस ए देखो इसको करने के लिए यू नो यू शुड नो व्हाट इज़ कम्पेरिटर व्हाट इज कम्पेरेबल अदरवाइज आप कंफ्यूज़ हो जाओगे राइट right? तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा उधर से आप नॉर्मली कंपेरिटर पढ़ सकते हो बट इट इज़ वेरी ईजी फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किसे इम्प्लीमेंट करें हम खाली इस मेथड को इंप्लीमेंट कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये क्या कर रहा है दो पैरामीटर ले रहा है ठीक है दो पैरामीटर ले रहा है रिटर्न टाइप इसका एंड होना चाहिए ओके सो ये सिंपल ट्रिक होती है कि जब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो आप क्या करते हो फर्स्ट पैरामीटर माइनस सेकेंड पैरामीटर ये मैंने ट्रिक आपको पढ़ाई हुई है और जब आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो तो आप क्या करते हो सेकेंड पैरामीटर माइनस फर्स्ट पैरामीटर ये सिंपल ट्रिक है हमेशा वर्क करेगी अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तब आ, तब नहीं कर पाएगी तब आपको वहाँ पे इफ एल्स लगा के लिखना पड़ेगा बट एनी वे ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हो जाकर के हमें यहाँ से क्या पता चला कि हमने बी माइनस ए किया मतलब सेकेंड टाइप फॉलो किया सेकेंड पैरामीटर माइनस फर्स्ट पैरामीटर दैट मीन्स इट इज़ अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ठीक है तो अब आप क्या करोगे सिंपल अपने इस कंपेरिटर को इधर पास कर दोगे तो कंपेरेटर वन तो अभी मैं कंपेरिटर पास नहीं कर रहा अभी मैं आपको खाली वैल्यूज़ इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ एंड देन हम उसे प्रिंट करेंगे सो मैप ओके सो मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज़ लिए सेवन सेवेंटी सेवन वन सेवेंटी सेवन सेवनटीन एज यू कैन सी सॉर्टेड नहीं है अभी आपका मैप क्या करेगा जब आप इसे प्रिंट करोगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ की में सॉर्ट कर देगा सेवन सेवनटीन सेवनटी सेवन वन सेवेंटी सेवन अब अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए तो आई विल यूज़ माई कंपेरेटर हेयर ठीक है इसे कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट अब इसे करते हैं रन ओके okay? तो आप देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया 177, 77, 17 सेवनटी सेवन सेवन ठीक है ओके नाउ व्हाट इफ़ मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं आई डोंट वांट दिस ठीक है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं वी कैन डायरेक्टली कॉपी दिस थिंग इतना पार्ट को कॉपी कर लो डिक्लेरेशन ही तो है एंड यहाँ पे जा करके आप पेस्ट कर सकते हो एंड से कॉमेंट कर दो तो ये भी आपका क्या है दिस इज़ ऑल्सो लैमडा कि भाई हमें ऑब्जेक्ट बनाने की क्या जरूरत है हम डायरेक्टली इस पार्ट को यहीं पर लिख देते हैं ठीक है तो जनरली जब आप कोड देखोगे दूसरों का तो वैसे ही लिखते हैं ओके okay? बट क्योंकि आपको मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैंने दो स्टेप में आपको बता दिया सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स यू नीड नॉट राइट ऑल दिस डायरेक्टली आप वहाँ पे आ, ऐसा पास कर सकते हो ठीक है एंड अगेन वाई दिस वर्कस बिकॉज कम्पेरेटर हमारा क्या है एक फंक्शनल इंटरफेस है ठीक है इफ़ यू गो टू कम्पेरिटर इट्स अ फंक्शनल इंटरफेस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नाउ मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ आपको क्या करना है आपको सिंपली चेक करना है क्या कंपेरेबल इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है एंड इफ इट इज़ सो आपको क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है उसे किसी कुछ भी एग्जाम्पल ले लो इम्प्लीमेंट करो एंड दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ आप क्या करो आप प्रायोरिटी क्यू के साथ सेम चीज़ करो जो मैंने यहाँ पे मैप के साथ करी है ठीक है प्रायोरिटी क्यू बिकॉज दैट विल ऑल्सो यूज अ कम्पेरिटन इट्स ईजी यू कैन डू इट ईजिल ठीक है बट हाँ वहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर आपके वन हो जाएंगे प्रायोर्टी क्यू क्या करता है एक ही पैरामीटर लेता है तो जब नंबर ऑफ पैरामीटर वन है तब उसमें कैसे करना है उसमें कस्टम क्लास डाल के देखूँ जस्ट प्ले अराउंड ओके प्रायरटी क्यू प्लस कस्टम क्लास कस्टम क्लास ठीक है एंड यहाँ पे आप कुछ भी शॉर्टिंग करो यूजिंग लैमडा तो शॉर्ट यूजिंग लैमडा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी आपको करना हो ठीक है सो या दैट्स इट आई गेस आई वॉज एबल टू टीच यू वॉट इज लैमडा और uh, अब आप कभी कन्फ्यूज़ नहीं होगे अगर आपके पास कोई सिंटैक्स भी आ जाता है ना बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा देता हूँ जस्ट क्विकली हमने एरे लिस्ट पढ़ी है राइट तो एरे लिस्ट एक कंज्यूमर इंटरफेस यूज करता है कंज्यूमर इंटरफेस इज ऑल्सो फंक्शनल इंटरफेस तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इंटीजर ठीक है थड ठीक है अब जब आप इस मैथड के अंदर जाओगे ठीक है तो यू विल सी ये कंज्यूमर इंटरफेस यूज कर रहा है एंड कंज्यूमर इंटरफेस क्या है सॉल्व हुआ फंक्शनल इंटरफेस जिसके पास एक मैथड है एक्सेप्ट ठीक है जो एक पैरामीटर ले रहा है तो लेट्स क्या हम यहाँ पर सेम काम कर सकते हैं तो मेथड का नाम क्या है ठीक है अब सिंगल शॉट लिखते हैं तो यहाँ पे मैं अपना लैमडा लिखता हूँ पैरामीटर एक लेने वाला है ठीक है लेट्स कॉल इट एज एन या एक्स ले लो कोई भी नाम आप दे सकते हो ठीक है एंड देन हमारे फंक्शन इंटरफेस का साइन एंड देन हम क्या करेंगे सिंपल इस एक्स को प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स ठीक है तो एंड ऑब्वियसली क्योंकि आप एक पैरामीटर ले रहे हो तो यू कैन रिमूव दिस ब्रैकेट ऑल्सो अब मैं यहाँ क्या करूंगा अपने लिस्ट में चीजें ऐड कर देता हूँ लिस्ट डॉट एड सिंपल प्रिंट करने का काम है ये तो सिंपल इसे प्रिंट करेगा दैट्स वॉट फॉर इश विल डू ठीक है तो लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड यू कैन सी वन सेवन टिफ्टी वन इज प्रिंटेड बढ़िया मजा आया आज के लेक्चर में दिस इज वॉट दिस इज कंज्यूमर इंटरफेस ठीक है कंज्यूमर इंटरफेस ऐसे जावा के अंदर uh, कई सारे इंटरफेस हैं दैट इज यू नो फंक्शनल इंटरफेस तो आप उसके बारे में और पढ़ सकते हो ठीक है बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दिस वन बिकॉज हम कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे कोडिंग करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीरियलाइजेबल ठीक है ओके देन ऑबियसली जब आप सीरियलाइज करोगे डि सीरियलाइज भी करोगे ये दो तरीके हो गए देन आपका थ्रेडिंग में बहुत यूज़ होता है ठीक है थ्रेडिंग में भी फंक्शनल इंटरफेस होते हैं कुछ उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है एंड वहाँ तो ऑब्वियसली आप एनोनिमस फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे ओके सो दीज आर ऑल दी थिंग्स जहाँ पे हम कंज्यूम जहाँ पे हम लैमडा बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है एंड सीरियलाइज का अगर आपको एग्जाम्पल देखना तो यू कैन सीरियलाइज होता क्या है बेसिकली जैसे अगर मुझे डेटा भेजना हो तो मैं डेटा कैसे भेजूँगा नेटवर्क में या नेटवर्क में नहीं मान लो मुझे स्टोर करना है डेटा अपने फाइल में मैंने एक क्लास बनाई मुझे उस क्लास को एक फाइल में स्टोर करना है तो रैंडम तो कर नहीं सकते ठीक है तो हम क्या करेंगे हम उसको सीरियलाइज करते हैं मतलब कन्वर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एंड देन फॉर्मेट मीन्स बाइट्स में और उस बाइट्स को हम स्टोर कर देते हैं फाइल में और डीसीरियलाइज क्या होता है उस बाइट को एज एन इनपुट लेते हैं और उसको वापस अपनी क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है अगर आप डेवलपमेंट करते हो तो आपको ये टर्म्स वन में आ गया होगा अगर आप डेवलपमेंट नहीं करते हो अभी तक तो स्टार्ट कर हो किसी चीज़ का वेट करो सीखो डेवलपमेंट भी सीखो एनी वे सो या दैट सेट आई होप तुम्हें आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना चैनल सब्सक्राइब करना और मुझे कॉमेंट्स में बताने आया कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में चाहिए